Hey friends, my name is Himanshu and मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। आप लोगों तो देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगा चुके होंगे कि आई एम इन आशियाना। तो बेसिकली प्रॉपर्टी शूट नहीं है बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द कंपनी। मैंने आशियाना हमारा भी शूट करा है और अनमोल भी शूट करा है, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा इफ यू वॉन्ट टू सी द प्रोडक्ट। लोकेशन के बारे में भी जानना है तो उसमें मैंने विस्तार में प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, बट आज मैं कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो लेट्स गो। मनोज जी हैं हमारे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आशियाना, तो उनके पास चलते हैं और बात करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट। तो फाइनली मिस्टर मनोज हमारे साथ है, तो कैसे हैं आप? ऑल गुड, आप बताएं। बहुत बढ़िया। बेसिकली ही रिप्रेजेंटिंग द कंपनी आशियाना एंड काफी ज्यादा चर्चा में रही है कंपनी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी। गुड़गांव में भी हाँ काफी टाइम हो गया, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इनके लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में भी, तो पहले दो फेसेस निकल पता भी नहीं चला। 48 आवर्स में आपके सेकंड फेज था, वो हमारा सोल्ड आउट। अच्छा काफी रिस्पांस था क्लाइंट्स का, एंड आई थिंक क्रेडिट गोस टू चैन पार्टनर जिन्होंने इतना वर्क किया एंड क्लाइंट का ट्रस्ट। दैट्स वंडरफुल। तो शुरू करते हैं सर, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपकी कंपनी के लिए एंड आपके लिए जो क्लाइंट्स पूछते हैं मेरे से, तो वो मैं शोकेस करना चाहता हूं। दिस इज व्हाट आई वांट टू शोकेस एंड बेसिकली आई वांट टू नो अबाउट द कंपनी कि ये कंपनी ओरिजिनली कब बनी एंड हाउ द नेम इज वंडरफुल। तो आशियाना नाम बहुत वंडरफुल है, एक अपनापन लगता है हिंदुस्तानियों का घर के लिए आशियाना। एक आशियाना देना एक सबसे बड़ा, कहते हैं कि एक ऐसा काम होता है इंसान के लिए जो सबसे पहला काम होता है, प्रिसाइसली। तो सर बताइए अबाउट द कंपनी, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स दे हैव एंड कैसा रहा जर्नी अभी तक, आपकी कैसी रही जर्नी इसमें? तो अगर मैं आशियाना की बात करूं, आशियाना स्टार्ट हुआ था 1979 से, लॉन्ग बैक, मोर देन 42 इयर्स हो गए इस कंपनी को। इट इज वन ऑफ द कंपनी जो गिने चुने कंपनीज में आती हैं। इट इज अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, बीएससी एनएससी दोनों लिस्टेड कंपनी है। इट्स अ काइंड ऑफ कंपनी जो हमेशा कॉन्सेप्ट सेलिंग करती है। हम जब भी फ्लैट्स बनाते हैं हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं। हमारे तीन मेन कॉन्सेप्ट हैं अगर मैं बात करूँ आज के टाइम में। एक है सीनियर लिविंग जो इंडिया में नंबर वन, हमारे पास भिवाड़ी में है। उसके बाद हमारा चेन्नई में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, पुणे में प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। सेकंडली मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा था, कॉन्सेप्ट जो है हमारा, हम तीन कॉन्सेप्ट पे घर बनाते हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट है सीनियर लिविंग जो इंडिया में नंबर वन, दैट इज वन ऑफ द आई मीन बेस्ट थिंग कि हम कहीं पूरे इंडिया में नंबर वन प्लान करते हैं सीनियर लिविंग में। अब मैं सिटीज बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ बना रहे हैं। चेन्नई में सर सीनियर लिविंग के बारे में बात करते हैं कि पूरे इंडिया में नंबर वन है, क्या किस वजह से, क्यों सीनियर लिविंग को इतना एम्ब्रेस करते हैं हम सब? इसलिए एम्ब्रेस करते हैं क्योंकि हम जो घर बनाते हैं वहाँ पर सीनियर लिविंग में, वहाँ पर हम इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं जहाँ पर सीनियर्स जो 50 प्लस स्पेशली हम घर देते हैं उनको जिनकी 50 प्लस ईयर्स हो जाते हैं, ओके सिर्फ वही लोग घर ले सकते हैं, पहली चीज ये हो गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि एज वाइज जो जस्ट 50 ईयर्स की एज होती है वहाँ पर लोग की एज गिरती है तो लोग की जो एक्टिविटीज है वो कम होती है, फिजिकल मूवमेंट कम होता है, लोग और ज्यादा मतलब उस एज में आ जाते हैं कि जहाँ मूवमेंट कम होती है फिजिकली। लेकिन हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट होता है, हमारे यहाँ हर सोसाइटीज में हम क्या करते हैं, हमारी एक मैनेजर होती है एक्टिविटी मैनेजर, वेयर शी प्लान डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जस्ट सो दैट पीपल कैन यू नो बी लिविंग एक्टिवली। सो व्हाट ज्यादा एक्टिवली परफॉर्म करें सीनियर लिविंग में है केवल। जनरली हमारे यहाँ आजकल के टाइम में इतना टाइम ही नहीं होता पेरेंट्स के पास ना, अगर मैं बात करूँ 50 प्लस ईयर्स लोगों को, वो पार्क जाते हैं देन दे कम बैक, या कभी कभी वो भी नहीं हो पाता क्योंकि कोई सपोर्ट के लिए नहीं है, है ना, एक केयर टेकर के लिए नहीं हो पाता। लेकिन हमारे वहाँ पर बेसिकली सारे एक पूरे एक्टिविटी मैनेजर्स होती हैं जो मैनेज करती हैं, प्लान्स बनाती हैं क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, तो उस टाइप से हम वो पूरा सोसाइटी मैनेज करते हैं। उसके बाद उनकी स्ट्रक्चर्स पे बहुत डिफरेंट होता है, कौन सी सर्विसेज होती हैं, हॉस्पिटल सर्विस होती हैं, वहीं पर आपको नर्सेस आ जाती हैं आपके पास, तो बहुत सारी चीज़ें वे डिफरेंट हो जाता है। सीनियर लिविंग टोटली डिफरेंट क्राइटेरिया। ओके, तो एक्टिविटीज क्या एक्टिविटीज होती हैं, जैसे सिंगिंग भी होती है?
बहुत सारी जिनको जो चीज आता है, इधर सिंगिंग आता है किसी okay. बहुत लोगों को पब्लिक स्पीकिंग आता है ठीक okay. है, बहुत लोगों को और डांस इस टाइम में डांसिंग जिसको सीखना है वो सिखाते हैं वहाँ 50 प्लस वाले डांस कर रहे हैं आपको आप उदयपुर में हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन तक होते हैं अच्छा तो कॉम्पिटिशन में एज लिमिट का आप देखें उसके बावजूद लोग इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर सो पूरे हम उसको पैन इंडिया लेवल तक ले जाते हैं बुढ़ापे में भी आपको बचपन का फील आ जाता है लाइक व्हेन दे आर रिटायर्ड दे आर गिविंग यू आर गिविंग देम सेम ट्रीटमेंट सही है तो दिस इज सीनियर लिविंग हमारे एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है गुड़गांव में जितने भी बिल्डर्स ने ईडब्ल्यूएस बनाया है वो इस स्टैंडर्ड के तो बिल्कुल नहीं बनाए बिल्कुल हमारा ईडब्ल्यूएस मतलब मैं तो आपके सीधा लोअर सेगमेंट से बात कर रहा हूँ वो इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन है अंदर अगर आगे बात करें क्या है ना हम जब भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जैसे EWS वो मेरे हमारा इंटरनल पार्ट होता है हम ऐसा नहीं बनाते बाकी जितने भी आई थिंक हमने डेवलपर्स या हमने कुछ भी प्रोजेक्ट देखे हुए हैं उसको कोई केयर ही नहीं करता ना मेंटेन नहीं करता वो कहीं कोने में पड़ा रहता है और क्लाइंट्स भी बड़े सारे क्वेश्चंस है एक तो क्लाइंट्स के कि आशियाना का ना कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है मानते हैं माय वन नहीं है तो माय वन लेना चाहिए ये लेना नहीं चाहिए क्या आपका उसमें रहेगा जो हमारा जो आप जैसे बात करते हैं माइवन बहुत जब हम बहुत ज़्यादा यूनिट्स बना रहे होते हैं है ना बहुत वाइडर कंस्ट्रक्शन करना होता है हाई राइज कंस्ट्रक्शन करना होता है तो माइवन की जरूरत पड़ती है एक तो स्ट्रक्चर का वेट कम हो जाता है ठीक है हाँ उसके बाद फास्ट कंस्ट्रक्शन हो जाती है अब आशियाना का क्या है कि इनहाउस कंस्ट्रक्शन सारा कुछ आशियाना खुद बनाता है खुद मेंटेन करता है तो हमें रिलाई नहीं करना पड़ता किसी को ओके और दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी अभी तक प्रोजेक्ट्स हैं सब 45 मीटर से नीचे Okay. तो मुझे माइक्रोन की जरूरत नहीं पड़ती कंट्रोल की मैं बात करूँ मेरा इनहाउस कंस्ट्रक्शन है तो मैं क्वालिटी को कंट्रोल कर लेता हूँ ए टू जेड जितनी भी क्वालिटीज होती है जितनी भी ग्रेड्स चेक होती है वाशियाना खुद कर लेता है तो अगर हम जरूरत नहीं पड़ती अगर हम बात करें इसी कैंपस में हाँ। जो हमारा सोना में है यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन वाइज क्या क्या मिला है कंस्ट्रक्शन वाइज मैं बात करूँ आप इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी वाइज लाइक यू आर टॉकिंग सर क्वालिटी तो आप मेरा पहला फेज देखेंगे आशियाना अनमोल का 2017 से लोग रहना स्टार्ट हो गए थे आज को 5 साल हो गए हैं ऐसा कंस्ट्रक्शन है कि आज तक मुझे अभी तक पेंट कराने की जरूरत नहीं है कोई भी अगर एंटर करता है मुझे एक भी क्लाइंट ने ऐसा नहीं बोला है कि ये 5 साल पुराना प्रोजेक्ट है दैट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप मेंटेनेंस देखें इसकी इतनी ब्यूटिफुली मेंटेन कर रखी है कोई कह नहीं सकता कि इसको मेंटेनेंस को इस प्रोजेक्ट को इतना टाइम हो गया आज हम थर्ड फेज पे आ गए हैं हार्डली आई थिंक 40-50 यूनिट बचे हुए हैं बट जब भी लोग आते हैं दे लाइक द कॉन्सेप्ट हाउ इज समथिंग वी आर गिविंग इस प्रोजेक्ट में मेरे को इतने कॉन्स लगे नहीं सिर्फ एक था कि जो एंट्रेंस थी वो आने जो एग्जिट और एंटर का वो भी इतना नॉट अ बिग इशू एक ही एंट्री उसको और मैं आपको और बता देता हूँ अभी तो 12 मीटर से आप एंटर कर रहे हैं राइट हाँ जी मेन रोड से सबसे से आगे चल के जो 30 मीटर का जो रोड बना हुआ है जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से कनेक्ट करेगा उस रोड से मेन एंट्रेंस हो जाएगी ओके तो अभी कुछ लोगों को ये लगता है कि 12 मीटर की एंट्रेंस कम है लेकिन जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगी तो आप 30 मीटर के वाइड एंट्रेंस से जाएंगे ओके इसमें कितना समय लगेगा हार्डली रोड बन चुका है बस हमें कनेक्ट करना है आप ये मान लीजिए जैसे मेरा थर्ड फेज कंप्लीट होगा जो थर्ड फेज के लोग होंगे वो एक्सेस करेंगे अपने 30 मीटर वाइड रोड से ओके तो ये एक कौन था जो कि आपने बताया कि ये कौन ही नहीं है एंड दैट इज लाइक अ पॉजिटिव थिंग 30 मीटर रोड पे आपका होगा प्लस मैंने ये पूरा कैंपस देखा है एजेस आपके कर्व होते हैं कि लगे नहीं बच्चों को सीनियर लिविंग में भी ऐसे ही होगा आप मेरे बहुत छोटे-छोटे डिफरेंस करते हैं आप हमेशा आशियाने की बात कर रहे हैं तो मैं बताता हूं हमारा कंस्ट्रक्शन भी जब बनाते हैं ना ऐसा बनाते हैं जहाँ क्लाइंट्स को बेनिफिट हो और बनाने के लिए आपने मेरे चौखट देखे होंगे राइट जो मेन में बहुत डिफरेंस है हमारा हम एमएस का यूज करते हैं उसमें कॉन्क्रीट भरते हैं सो दैट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ना हो हम जब अपनी बैल्कनीज बनाते हैं तो बैल्कनीज वाइड बनाते हैं जाम हो चुके सो दैट प्रॉपर वेंटिलेशन हो जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर हम हमेशा कंस्ट्रक्शन में ध्यान देते हैं जहाँ पर एंड यूजर को फायदा हो प्रोडक्ट ही हम बेसिकली जो मेजर हमारा फोकस होता है वो एंड यूजर
ओके, तो अभी आपका क्या प्लान्स है गुड़गांव में और काम? गुड़गांव में हमारा भी बहुत प्लान है, एक्सपेंशन का हमारा है, और जैसा कि मैं बताऊं कि हमने और नई लैंड भी ली है, सेक्टर 80 में हमारी एक और लैंड ली हुई है हमने, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट लेके आएंगे। अभी करंटली मेरा एक और फेज आने वाला है, वो अमारा का। ओके, आपने सुना होगा अमारा का। अमारा सर, आपने अभी बात करी है, 48 आवर्स में बिका है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इट्स वन ऑफ द अमेजिंग प्रोजेक्ट। मैंने इतनी जगह काम किया, बट मैंने लुक एट दैट प्रोजेक्ट, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जहां सबका मन करता लेने का। बिल्कुल सर, हर एज ग्रुप, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। अगर मैं बात करूं तो साइकियाट्रिस्ट इन्वॉल्व हुए थे, ये कह लीजिए प्लानिंग स्टेज में, गेम स्टेज में, किस हर एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग ग्राउंड है उसमें, जो एक्टिविटीज होनी चाहिए वो ऐसी डिवाइड होनी चाहिए जहाँ बच्चों का लेफ्ट और राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन यूटिलाइज हो रहा हो, जहाँ लेफ्ट और राइट ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा हो, दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन यूज्ड इन अ स्ट्रक्चर। अब एक बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं उसमें एमिनिटीज बना रहे हैं, वहाँ बच्चों के बारे में इतना सोच रहे हैं कि वहाँ उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ये कैसे होगा, मतलब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करो। मैं आपको बताता हूँ, हमने बहुत सारे गेम, एक एक वहाँ पर आप देखेंगे दो चीज हमने बहुत बड़ी इंप्लीमेंट करी है। एक तो हमारा है करीबन 6000 स्क्वायर फीट का आपका लर्निंग हॉल, बिल्कुल सेपरेट है अपार्ट फ्रॉम क्लब हाउस। जनरली क्या होता है कि जितने भी बिल्डर्स आपने आज देखे होंगे उसमें होता है कि सारे गेम्स और एमिनिटीज एक जगह दे देते हैं वो अपना क्लब हाउस के अंदर। डिफरेंस यही होता है, आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं तो डिफरेंस यही होता है एक प्रोजेक्ट से, कि किसी का साइज बड़ा होता है क्लब हाउस का, किसी का छोटा होता है, उसके अंदर की चीजें सेम होती हैं, चाहे वो लॉन टेनिस हो, बैडमिंटन हो, इंडोर या आपका जिम हो गया हो, या अंदर के किड्स के रूम हो गए हो, इंडोर गेम। हमारे में बहुत डिफरेंट होता है। एक हमने क्या किया हुआ है कि हम क्लब हाउस तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा एक हमारा लर्निंग हब का सेंटर होता है, उसमें भी हमने एज वाइज एक्टिविटीज प्लान करी है। आर्ट एंड क्राफ्ट हमें पता है कि हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि उसको बहुत वाइडर एरिया में हमने उसको पूरा एक फ्लोर दे रखा है। सिमिलरली जब मैं बात करूँ उसके अंदर सेपरेट डांस रूम है, म्यूजिक रूम है, सोसाइटी में एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हमारे सर जैसे ये बना हुआ है इसका अपग्रेड वर्जन, अपग्रेड वर्जन है बिल्कुल, जैसे आईफोन का अपग्रेड होता रहता है ऐसे ही ये पहला आपका प्रोजेक्ट था, इसका अपग्रेड वर्जन जिसमें फसाद भी डिफरेंट है। मैं एज वाइज में आपको बता रहा था कि एज वाइज हमने 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अलग से एक दोस्त प्ले एरिया बनाया हुआ है। कॉन्सेप्ट ये थॉट प्रोसेस था कि टावर, जैसे 4 टावर है उसके सामने ही, जो छोटे बच्चे हैं, जनरली क्या होता है कि इतना बड़ा 22 एकड़ का मेरा प्रोजेक्ट था, तो ऐसा ना हो कि बच्चा छोटा खेलते खेलते कहीं और चले जाए, किसी और टावर के पास चले जाए, तो हमें भी, अब छोटा बच्चा है तो हमेशा डर लगा रहता है, और तो सेंट्रिक भी है, तो हमने उसके सामने ही बना दिया कि बच्चों को जहाँ जिस टावर पे वो आपके सामने देखे खेलते हुए, आपको परेशानी ना हो। उसके बाद मैं बात करूँ उसमें बहुत सारे एज वाइज हमने बनाया हुआ, जैसे एक बड़ा सा ट्री है उसमें, है ना, तो वो जनरली हमने ऐसा बनाया है इसलिए जहाँ पर बच्चे आए एक दूसरे को जाने। सोसाइटीज में प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने नेबर्स को नहीं जानते, एक्टिविटीज ही नहीं करते, एक्टिविटीज ही नहीं करते, फोन में ही लगे रहते हैं। ऐसा इम्प्लांट किया है वो ट्री के, जहाँ बच्चे आए एक दूसरे डिबेट करें, बातें करें, इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, आप जब देखेंगे आपको। मैंने आपके ये भी देखा, यहाँ पे भी आशियाना अनमोल में भी आपका कॉम्पिटिशन होता है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बच्चों को काफी। मेरे बच्चे सिर्फ यहाँ, हम जो कॉम्पिटिशन कराते हैं वो इसलिए कराते हैं कि बच्चे इतने ट्रेन हो जाते हैं कि दे गो टू स्टेट लेवल्स। रिसेंटली हमारे यहाँ पर आई थिंक इतने सारे बच्चे हैं जो स्टेट लेवल खेलते हैं, उसके बाद अभी हम टाइकोंडो में बच्चे जीत के आए थे, बैडमिंटन में जीत के आते हैं। अच्छा, उस लेवल का हम प्रिपरेशन करते हैं। ओह नाइस, ये दैट इज गुड। तो बहुत सारी चीजें यूनिक हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं उसका, फेस 3 का भी वेट कर रहे हैं। हाँ, काफी लोग पूछते हैं तो फेस 3 जरूर आएगा, और बने रहना। If you want to know about phase 3, you can text me on my number. I'll surely talk about that. Plus, sir, काफी अच्छा डिटेल में आपने बताया। तो आशियाना को इन छोटे वर्ड्स में, गुड़गांव में जैसे हमने अल्ट्रा लग्जरी के नाम से सुना, बोलते हैं अल्ट्रा लग्जरी नहीं है, बाकी अल्ट्रा लग्जरी मैंने देखे भी हैं, लगता है कि अल्ट्रा लग्जरी है नहीं है, खुद ही क्वेश्चन मार्क होता है, हर एक को कमीलिया से कंपेयर करते हैं। आशियाना अपने आप में एक नाम है। आशियाना को सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये किड सेंट्रिक होम है। मैं ना तो इसको, आप बहुत जगह लोग लग्जरी कहते हैं या प्रीमियम कहते हैं, मैं इसको बस एक ही नाम देना चाहूंगा, इट्स अ किड सेंट्रिक होम, इट्स अ एंड यूजर प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको अपने लिए सेल्फ यूज के लिए करती हूँ डेफिनेटली,
बात करें तो इन्वेस्टर्स तो आते ही नहीं इस प्रोडक्ट में, बिकॉज यू हैव अ लॉग इन पीरियड. तो सबसे अच्छी बात ये भी है, क्योंकि आज की डेट में कोई इन्वेस्टर्स, मैंने ये भी देखा कि मार्केट बहुत खराब हुई है मनोज जी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट, आज की डेट में लोगों के पास पैसा होता नहीं है. 8 करोड़ की प्रॉपर्टी बुक कर लेते हैं, सोचते हैं कि उस पर मिल जाएगा, मतलब विद इन लाइक यू नो यूआई पे बेच देंगे, विच इज अ रॉन्ग थिंग, मतलब नहीं करना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं. आशा ना ये करने ही नहीं देता, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है. आशा ना जो भी कॉन्सेप्ट सेलिंग करता है, आशा ना का मकसद यही है कि जो लोग हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं, जो लोग घर ले रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, दे शुड अंडरस्टैंड कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, वरना मेरा कॉन्सेप्ट सेलिंग का मकसद ही हट गया. हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैं इतना सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट बना, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे यहाँ घर ले रहे हैं, जो यूजर्स ले रहे हैं, वो यूटिलाइज करें एंड वो घर ले, मतलब दैट इज व्हाई लॉगिन पीरियड भी बहुत सही है सर. थैंक यू सर बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए. एंड तो आशा ना ले लीजिए अगर आपको पसंद आता है तो. गुड़गांव में 2 प्रोडक्ट्स हैं इनके अभी, एक तो आपका नया फेल आएगा आशा ना हमारा का, विच इज इन 93 सेक्टर. लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा. प्लस एक और है जो अनमोल है, विच इज ऑन सोना रोड, 30 मीटर के एंट्रेंस पे, कॉलफोर्स एक्सचेंज पे. तो दिस इज व्हाट आई विल टॉक अबाउट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस. थैंक यू.